हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे हरे मटर का निमोना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। निमोना बनाने के लिए हमने धनिया पत्ता, कटे आलू, कटे टमाटर, एक प्याज, कुछ कलियां लहसुन की, कुछ साबुत हरी मिर्च और कुछ अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। ये हमने एक कटोरी मटर लिया हुआ है। कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तड़के के लिए हम इसमें एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी पंचफोरन डाल देंगे। ये तड़का हमारा तड़क चुका है, तो अब हम इसमें कटी हुई आधी प्याज डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। ये आलू हमारे जब तक फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम मटर का मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। ये आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटे हुए। मसालों में हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही में हम तैयार किया हुआ धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मसालों को हमें अच्छे से भून के पका लेना है। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें अपने मटर के पेस्ट को डाल देंगे। मटर का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देंगे। और ढक के हम इसे पका लेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे निमोना में कितना अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे। मटर का निमोना अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसे इसी तरीके से बनाया जाता है और ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो ये देखिए, ये हमारा मटर का निमोना बन के बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे चावल, रोटी या किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद हम इसमें एक बार और तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने थोड़ी सी पंचफोरन, एक सूखी लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये हमारा मटर का निमोना बन के बिल्कुल तैयार है।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।